हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो यस, अभी तक का मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है, विच इज़ अबाउट कियारा आडवाणी लहंगा रिक्रिएशन, वो वीडियो को अगर आप देखेंगे शॉर्ट को, मतलब वो शॉर्ट है, लॉन्ग वीडियो नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं है वीडियो, उस शॉर्ट वीडियो पे कितने व्यूज़ आए मैं आपको दिखाती हूँ। उस पे इम्प्रेशन गए हैं 4 मिलियन। हाँ, इम्प्रेशन उस पे गए हैं 4 मिलियन, और उस पे जो व्यूज़ आए हैं वो आए हैं एग्जैक्टली बताती हूँ मैं, 24,63,559 व्यूज़, मतलब कि 24 लाख से ज़्यादा, उसे 25 लाख व्यूज़ होने वाले हैं अभी, 25 लाख उस पे व्यूज़ गए हैं। मुझे उसके वजह से सब्सक्राइबर जो गेन हुए हैं वो हुए हैं, मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं उसके वजह से 3800, मतलब कि 3800 मुझे उसके वजह से सब्सक्राइबर मिले हैं, 3800, जी हाँ। और ये देखो कितने लोगों की फीड में शो हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, 4.2 मिलियन, मतलब कि 4 मिलियन, मतलब कि 4.2 मिलियन बोले तो 42 लाख व्यूज़ है ना। अभी मैं आपको इसका रेवेन्यू दिखाती हूँ कि इसमें रेवेन्यू कितना आया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इम्प्रेशन गया है 42 लाख लोगों पे, देखा है 25 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट, और उस पर जो इस्टीमेटेड रेवेन्यू बना है ये बना है $3.66, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू इंडियन रुपी, मैं बताती हूँ, $3.66 इनटू रुपीज़, तो ये होता है 307 रुपये, 307, मतलब कि 307 रुपीज़ से मुझे रेवेन्यू हुआ है, जो कि इसका मतलब रेवेन्यू मुझे बना है 500 रुपये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। और इस पर व्यूज़ है मिलियंस में, ये है शॉर्ट की बात। अभी मैं आपको एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो बताती हूँ, उसका मैं एग्जैक्ट पैसा नहीं बताऊँगी आप लोगों को, बट मैं क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी वजह से अपने चैनल को कुछ मुश्किल में डालूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो एक मोस्ट व्यू है जिसपे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, अनइवन ब्रेस्ट वाला, उसमें व्यूज़ गए हैं कंप्लीट 292K, मतलब कि 3 लाख होने वाले हैं ऑलमोस्ट उस पर व्यूज़, ठीक है, 3 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। मुझे इससे जो वॉच टाइम मिला है अभी तक, वो मिला है मुझे 24,000 वॉच टाइम मुझे इससे मिला है। इससे जो रेवेन्यू बनाए, देखो रेवेन्यू उसके मुकाबले वो है 24 लाख, और ये है 3 लाख, मतलब कितना कम है, बिल्कुल मतलब 10 गुना है वो, इससे ज़्यादा है ना इसका जो ये, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, और ये जो वीडियो है ये है 13 मिनट का वीडियो, और बल्कि इस पर लिमिटेड मुझे मोनेटाइजेशन मिला है। लिमिटेड इसलिए मिला है बिकॉज इसमें 3 तरीके के मोनेटाइजेशन होते हैं, या तो आपको जो है फुल रेवेन्यू मिलता है, या फिर आपको लिमिटेड रेवेन्यू मिलता है जिसपे कि ज़्यादा एड्स नहीं सूटेबल होते हैं, और एक होता है जिसमें कि रेवेन्यू नहीं मिलता है जिन वीडियोज़ का। तो ये है लिमिटेड रेवेन्यू, बोले तो हाफ़ रेवेन्यू बनेगा आप ये कह सकते हो। इसके बाद भी मेरा इस पे जो डॉलर गया है वो डॉलर इतना गया है कि आधा, मतलब जो हमारी 100 वाली पॉलिसी है, $100 होना चाहिए, तो आधा डॉलर ये अभी तक कंप्लीट कर चुका है इसी एक ही वीडियो से। मतलब आप देख सकते हो लॉन्ग वीडियोस के कितने कम व्यूज़ होने से भी कितना पैसा बन रहा है, और शॉर्ट वीडियो चाहे मिलियन में चला जाए लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नाम मात्र के, मतलब उसको काउंट ही नहीं करना चाहिए। कई चैनल आप देखते होंगे जिनके शॉर्ट्स में मिलियंस में व्यूज़ हैं, बट उनके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में बहुत कम व्यूज़ होते हैं, जैसे कि 1000, 2000 या फिर और कम, तो आपको लगता होगा कि और वो लाखों कमा रहे हैं, तो वो नहीं कमा रहे हैं, बिकॉज जो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो होते हैं, जो हमारे शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं, इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। हाँ, उससे आपको क्या मिल सकता है मैं आपको बताऊं, आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकते हैं, आपको कोलैबोरेशन मिल सकते हैं बिकॉज आपकी रीच अच्छी है, लेकिन आपको यूट्यूब की तरफ से पैसा उसमें बहुत ना के बराबर मिलता है। तो इसीलिए अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने का सोच रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो जो आपका हेल्प करेगा वो करेगा सब्सक्राइबर गेन करने में, क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियोस से सब्सक्राइबर मुश्किल से मिलते हैं। मेरे जो ये लॉन्ग वीडियो वायरल हुआ था, इससे मुझे मिले थे 1800 या 1900 सब्सक्राइबर्स मिले थे, वो इसीलिए क्योंकि ये
हद से ज़्यादा वायरल हो गया था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा वायरल था ये, दिन का इसमें 2-2, 3-3 हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे थे, इसीलिए उसमें इतने सब्सक्राइबर मुझे मिल गए थे। अदरवाइज़ जो है आपको लॉन्ग वीडियोस से सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, आपको शॉर्ट वीडियोस से ही सब्सक्राइबर मिलते हैं, मतलब कि शॉर्ट से ही आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बनाते जाएँ और सोचें कि आप लाखों में कमाएँ, देन ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके, आप ये समझो आपके 100 वीडियो मिलियंस में जाएंगे तब जाके आपके $100 कंप्लीट होंगे। वो भी सिर्फ मिलियन नहीं, कम से कम तो 25-26, 26-26 में लाख व्यूज़ होने चाहिए किसी शॉर्ट पे, तब जाके आप $100 कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, देन आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, मतलब कि अगर आप रोज़ शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं तो 2 दिन में एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करिए, बिकॉज़ आपका जो रेवेन्यू बनेगा, जो आपका जनरेट करेगा एक्चुअल, वो आपका लॉन्ग वीडियो ही करेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, दैट आपका उस वीडियो पे इतना ज़्यादा व्यूज़ है तो आपको उससे कितना पैसा मिला है, तो देख लो उससे मुझे कितना पैसा मिला है, वो मतलब कि कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 500 रुपी, इंडियन रुपी है ना, बहुत ही कम पैसा उससे जनरेट हुआ है। तो शॉर्ट से जो है सब्सक्राइबर मिलते हैं, ये गारंटी है आपको, शॉर्ट वीडियो से आपके सब्सक्राइबर इंस्टेंट गेन होते हैं, लेकिन आपका रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं बनता। इसलिए अगर आप शॉर्ट ही शॉर्ट पर काम करना चाहते हैं करो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है लॉन्ग भी बनाओ। और हाँ, YouTube क्या करता है ना, 2 हिस्सों में बांट देता है, जैसे अगर आप शॉर्ट ही बनाते हो तो वो आपको उसी में कर देगा कि ये शॉर्ट का चैनल ही है, और अगर आप लॉन्ग बनाते हैं तो आपको लॉन्ग में ही कर देगा। इसीलिए दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, तो आप शॉर्ट भी बनाइए, लॉन्ग भी बनाइए, ताकि जो है YouTube आपको किसी एक कैटेगरी में वो ना कर सके। बहुत से चैनल आप देखिए जिनके, अब देखो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हो गए, जैसे लखनीत वगैरह हो गए, इनको नहीं इस चीज़ में आप काउंट कर सकते, बिकॉज उनका तो ऐसा है कि वो कुछ भी डालेंगे तो उस पर व्यूज़ आएंगे, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एज अ, मतलब आप एक यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी, और अगर आप सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट बनाते जाएँ और आप सोचें इससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो नहीं होगा। जब आप लॉन्ग वीडियो डालोगे ना, उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे, क्योंकि लोग फिर आपको शॉर्ट ही देख, मतलब आपने वो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मैं शॉर्ट ही बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो फिर आपको लोग शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे, आपके लॉन्ग वीडियोस नहीं चलेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल बना रहे हैं अभी, तो ध्यान रखें कि दोनों का रेशियो एटलीस्ट आप बराबर ना रखें। तो ऐसा करें, रोज़ शॉर्ट डाल रहे हैं तो 2 दिन में एक आप लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालें, और हाँ, मेक श्योर करें कि आपका जो लॉन्ग वीडियो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का हो, क्योंकि YouTube पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ज़्यादा जनरेट, सीधी सी बात है, 10 मिनट से ज़्यादा के वीडियो पे ही होता है। अगर आपके 10 मिनट का वीडियो है, अगर 6 लोगों ने देख लिया, तो आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया। इसलिए जो है लॉन्ग वीडियो अगर आप बनाते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा का बनाएं। और हाँ, आपके जो, जैसे जो नए नए चैनल होते हैं, वो उसका जो क्राइटेरिया होता है, अब तो खैर उसका कम हो गया है, 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉचार हो गए हैं, और 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ हो गए हैं, मतलब या तो आप 3000 वॉचार कंप्लीट कर लीजिए, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट के व्यूज़ कंप्लीट कर लीजिए। बट जब मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया था, उस टाइम पे ये वॉचार 4000 थे और सब्सक्राइबर 1000 थे, तो मेरे जो लॉन्ग वीडियोस के वजह से, मेरा जो वॉचार अगर आपका कंप्लीट होता है, वो लॉन्ग वीडियोस के वजह से होता है, क्योंकि मेरा 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट में तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 1.5 साल हो गया है। इसीलिए अगर आप अपना जो एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाओ सब्सक्राइबर्स के पर्पज़ से, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ अपना वॉचार कंप्लीट करने के लिए, और ऐसा टॉपिक चूज़ करो जिसके बारे में वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो सके, क्योंकि हमको सिर्फ 2 या 4 वीडियो बना के ख़त्म नहीं करना है, हमें इन कॉन्स्टेंटली वीडियो डालने ही है, बिल्कुल बिल्कुल कभी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक टाइम पे आके हम सोचने लग जाएं कि अब क्या वीडियो बनाऊं। इसीलिए टॉपिक ऐसा चुनो जो कि आपको लगे कि इस बारे में मैं कितना ही बोल सकता हूं, या फिर इस बारे में मेरे पास अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे जानकारी देनी थी कि कैसे आपका वॉचार कंप्लीट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और हाँ, शॉर्ट से कितना पैसा आया वो आप लोग देख चुके हैं। तो ये था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए, कि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट से बहुत पैसा आता है, शॉर्ट से कोई पैसा नहीं आता है, बिल्कुल 0 के बराबर ही आता है। अब सोचो 24 लाख व्यूज़ होने के बाद 300 रुपये बनाए, तो फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं। और वहीं देखो, लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो है, उस पर 3 लाख व्यूज़ भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, और उससे मुझे कितना डॉलर हो गया है। तो मतलब डॉलर को अगर आप उसमें कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपये में, तो आप समझेंगे कि वो कितना ज़्यादा गुना पैसा है। और इसीलिए जो है, अगर आप YouTube पे कमाना चाहते हैं पैसा मेन, तो आप लॉन्ग वीडियोस पे भी उतना ही फोकस्ड रहें जितना आप सब्सक्राइबर गेन करने के लिए हैं, बिकॉज दोनों ही ज़रूरी है। अगर और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी मैं भी, कि जैसे लगता है ना कि 5000 सब्सक्राइबर है, 6000 सब्सक्राइबर है, तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, नहीं है,
अगर आपकी रीच अच्छी है, आपके चैनल पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, अगर आपको रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपके 5,000 सब्सक्राइबर हैं कि 6,000 सब्सक्राइबर हैं। मैंने ऐसे बहुत से चैनल देखे हैं जिनके 50,000 भी सब्सक्राइबर हैं, बट उनका चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के वजह से। वो सिर्फ शॉर्ट का चैनल है तो उनके वॉच आर भी कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं और ना 10 मिलियन कम्प्लीट हो रहे हैं। 10 मिलियन सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन नहीं होता है। मेरे चैनल पर अभी 1,000 वीडियो हो गए हैं, 1.5 साल मुझे हो गया, लेकिन अभी तक मेरे 10 मिलियन कंप्लीट नहीं हुए हैं चैनल पे। तो इसीलिए जो है, अगर आप चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो पे जरूर ध्यान दें, अदरवाइज आपका चैनल अटका रह जाएगा, ये बात है। तो इसीलिए अगर आप भी वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट पे भी ध्यान दें, शॉर्ट पे भी ध्यान दें। शॉर्ट से आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, लॉन्ग से आपको जो है वॉच आर मिलेंगे, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा यूट्यूब पे। तो ये था मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो गाइज़, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत पीक टाइम है। इवन अभी सेलिब्रिटीज़ भी यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, बिकॉज़ ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप वर्किंग वीमन हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं तो आप आराम से अर्न कर सकते हैं। बस यही है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड आप आराम से यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।